आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर एजुकेशनल का बेस्ट वीडियो, बहुत से ऐसी वीडियो हैं जिसको आप निरंतर देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे ये सोच रहे होंगे क्या प्रैक्टिकल एग्जाम होगा या नहीं, तो अंधकार में जो स्टूडेंट हैं वो जान लें प्रैक्टिकल एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए, अगर हमको कहना है प्रैक्टिकल एग्जाम की बात, ठीक ना, 2021, ठीक, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 2021 में जो होने वाला है बच्चों, ठीक है, 100% वह एग्जाम होगा। और किस महीने में होगा ये भी चीज मैं बता दे रहा हूं आपका, ये फरवरी के, आपका फरवरी के माह में ये आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो दिए गए पदार्थ में एक अम्ली एक क्षारी मूलक ज्ञात करना, ठीक, अब या ज्ञात करना या तो उसका पहचान करना, ये चीजें अधिकतर आपके एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम ये कंफर्म कर देते हैं उसमें टाइप्स क्या है। जैसे हमने कहा कार्बोनेट हो गया, ठीक, सल्फर ऋण आयन हो गया, बात समझे ना। अब फिर उसके बाद आपका हो जाएगा SO3 2 ऋण आयन हो गया, एंड ठीक CH3 C00 ऋण आयन हो गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक, इस प्रकार के आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक अम्ली एक क्षारी मूलक की पहचान करना है। यहाँ अम्ली मूलक में जैसे हमने क्या है, हमको सपोज करिए कार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फर है, सल्फाइड है, और ये आपका एसिटिक अम्ल है। इन सभी में से हमको करना किस पे है, केवल एक पे करना है। एक भैया सही चीज है, जैसे दो दो चार है, चार दिए, चार में से एक ही पे करना है, इसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैसे करना है, सपोज करिए कि CH3 C00H, ये इसका नाम है एसिटिक अम्ल है। क्या है, कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल को करने के लिए क्या करते हैं, हमने कहा एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, वियोजित किया, तो बनाया क्या CH3 C00O ऋण आयन। तो यहाँ देखिए, अगर कोई भी एसिड होगा, देखिए कोई भी एसिड होगा जब अम्ल से अम्ली बनेगा, कोई भी एसिड होगा वह अम्ल से क्या बनेगा बच्चों, अम्ली बनेगा। एसिड है ना, अम्ल से अम्ली बनाएंगे तो वह बच्चों क्या हो जाएगा, तो वह एसिडिक हो जाएगा। कह सकते हैं ये हमारा अम्ल है और दूसरा जो रेडिकल से मिला उसे हम क्या कहेंगे, अम्ली कहेंगे। इसको हम ये समझ सकते हैं, अम्ल पहचानने का तरीका ये है कि इसके ऊपर H प्लस आयन है, जब H प्लस आयन को वियोजित करेगा ना, उसको परिवर्तित करके डबल, मतलब उसके ऊपर चार्ज, अगर H है तो जाहिर से बात है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना। जब उसमें से हाइड्रोजन आयन गायब होंगे तो वह कौन सा आयन बनाएगा, निगेटिव आयन बनाएगा, ठीक ना। अब यहां देखो, अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना, ये भी थोड़ा पावरफुल अम्ल है, ठीक ना, इसका भी यूज कई चीजों में किया जाता है। सपोज करिए ये एसिटिक अम्ल है, ये खाने योग्य अम्ल है, या कह सकते हैं जो सिरके का अम्ल होता है उसमें जो अम्ल निकलता है वही क्या, एसिटिक अम्ल है, ठीक। सिरके का अम्ल अगर बात करेंगे तो भाई सिरके जैसी गंध है तो सिरके का अम्ल है, ठीक ना। सभी अम्लों की एक अपनी रूपरेखा होती है, जब भी अम्ल क्या बनता है, अम्ली बनता है, इसको आप समझ लीजिए, जब भी अम्ल क्या बनता है, अम्ली बनता है, जब भी अम्ल क्या बनता है, अम्ली बनता है, तो वह अपना H प्लस आयन त्याग कर उसके ऊपर निगेटिव आयन बना लेता है, समझ गए ना। वह अपना पॉजिटिव आयन क्या कर देगा, त्याग देगा, ठीक, और क्या बनाएगा, निगेटिव आयन। अगर थोड़ा अच्छे से हमारे चैनल से जुड़ेंगे और हमारे वीडियो को आप स्किप मत करिए, ठीक ना, अगर वीडियो को स्किप करेंगे, ठीक ना, तो वो चीजें नहीं, मैंने कहा जिस प्रैक्टिकल को आपके एग्जाम में आपके एग्जामिनर पूछते हैं, कैसे आप बताओगे कि वह अम्ल है, आपसे पूछा जाएगा कैसे आप बताओगे वह अम्ल ही है, ठीक ना, मतलब बताओगे एसिड कैसे है। तो पहला तरीका बताने का क्या होता है, अम्लवा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है ना, और क्या H प्लस आयन देता है तो वह अम्ल है, ठीक। अम्ल के तरीके कई हैं,
मगर उतना तरीके मैं आपको बताना चाहता हूं जितना आप किसी को बता सकते हैं। ठीक, तो ये अम्ल पहचानने का तरीका है। हमने कहा अम्ल से अम्ली बना, ठीक है, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो गया। अब अम्ल को अम्ली बनाना आप सीख गए। अम्ल किसी प्रकार का हो उसके ऊपर जब अम्ली बनेगा चार्ज क्या होगा बच्चों, निगेटिव चार्ज होगा। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि अब अम्ल हुआ, अब थोड़ा क्षार की बात आ गई। क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ये भी अपना एक कला दिखाता है, बात समझे ना, ये भी अपना एक क्या कहलाता है, कला दिखाता है। ये बनता है बेस। जब ये बेस से क्या बनता है, बेसिक बनता है, ठीक ना। कह सकते हैं बेस मींस आपका हो गया क्षार। जब क्षार से बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, क्षारी बनेगा। क्षारी रेटिकल्स कैसे बनते हैं, अगर क्षार की बात करेंगे तो क्षार अपने आप में बताता है कि OH ऋण आयन देता है। अगर ये क्षारी देगा तो भैया इसके ऊपर कौन सा आयन हो, प्लस आयन होना, ठीक। अगर प्लस आयन रहेगा तभी क्षारी रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। बात करते हैं, जैसे हमने कहा ना, हमने ये कहा कि ये है NH4 ना OH, हमने कहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, हमारा ये बच्चा क्या है, बेस है, ठीक ना। अगर बेस है, बेस से इसको हमको क्या बनाना है, बेसिक बनाना है। इसको बेसिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही हम कर देते हैं OH, इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा OH को। जब OH को बच्चों डिस्टर्ब करेंगे तो ये बनाएगा केवल NH4। अब ओनली NH4 हो गया, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का आयन जुड़ जाएगा, कौन आयन जुड़ेगा, प्लस आयन। तो कह सकते हैं जब क्षार से क्षारी बने, मतलब बेस से बेसिक बनेगा, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस। हमने कहा अम्ल से अम्ली बना तो प्लस से त्याग कर क्या बनाएगा, निगेटिव। तो ए तो क्लियर हो गया आपका। अपनी ऐसे हथेली लीजिए और हथेली पर ऑक्जेलिक अम्ल का पाउडर रखिए। पाउडर रखने के बाद कुछ परसेंट उसमें क्या मिला दीजिए, आप सिरके का अम्ल मिला के पूर्ण रूप से गला लीजिए और उसको नाक से सूंघने से तीक्ष्ण सिरके जैसी गंध निकलती है। ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, आप कॉलेज में है, लैब है आपके पास, कर सकते हैं। अम्ला खाए होंगे, ठीक ना, आंवला खाते हैं ना, तो अंदर की ओर सांस लेते हैं जिसे इसका एक मिठासपन उत्पन्न होता है। आंवला खाने के बाद आप क्या करते हो, पानी पीते हो, पानी पीने के बाद सांस क्या अंदर की ओर लेते हो तो मीठापन होता है। तो आंवला जैसा सारा कंसेप्ट रहेगा, ठीक ना। तो मैंने आपको ये बताया, आज मैं ये बताया हूं, नेक्स्ट वीडियो में ओनली लैब स्पॉट, ठीक, लैब स्पॉट के कुछ क्वेश्चन और उसके सॉल्व आपको मैं रखूंगा और बताऊंगा। लैब स्पॉट में कई चीजें हमने आज अम्ल की चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैनल से आप निरंतर जुड़े रहिए, ठीक है, मैं बताया हूं, ठीक है। आपको 20 डेज, केवल 20 दिन में कंप्लीट प्रैक्टिकल की तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक। 20 दिन में एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल में ओनली 20 डेज कंप्लीट प्रैक्टिकल तैयारी आपको हम अपने द्वारा कराएंगे। तो आप हमारे चैनल से आप निरंतर, ठीक ना, जुड़े रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और बेल आइकन घंटी जो है उसको दबा के ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आपको, ठीक है, अगर हमारे कंप्लीट कोर्स से जुड़ना है तो आप फ्री, मैं कोई आपसे बैच का पैसा नहीं ले रहा हूँ कि आपको 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 3000 खर्चा करना है। फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ और फ्री में आप कंप्लीट प्रैक्टिकल की तैयारी यहाँ इस चैनल से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आराम के साथ अच्छे से अपनी नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हमारे चैनल से आप जुड़िए
और लोगों को जुड़ने की कोशिश करिए। आप हमारे चैनल से अगर पर 20 दिन जुड़ जाएंगे, जब जब भी आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल को देखेंगे, आप प्रैक्टिकल की इन चीजों को पढ़ेंगे, तो मैं आसन विश्वास के साथ कहता हूँ कि 30 में 30 नंबर वो दिन दूर नहीं जब आपका आप प्रैक्टिकल एग्जाम में एक रुपए बिना दिए 30 में 30 नंबर पाएंगे। यही 30 नंबर आपको 80% बना सकता है, यही 30 नंबर आपको 80% बना सकता है, वो 90% भी कन्वर्ट बदल सकता है। तो देर मत करिए और चैनल से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।